सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं तेरापंत युवक परिषद के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी छाजेर, तेरापंत युवक परिषद के मंत्री श्री सुनील जी श्री श्रीमाल को करता हूँ जय जिनेन्द्र। मैं दीपांशु सेखानी आज आपके सामने स्पिरिचुअलिटी बिहाइंड साइंस के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ अगर इस टॉपिक के दौरान मेरी कोई गलत नॉलेज आपके सामने आ गई हो, या फिर हो सकता है मेरे रिसर्च वर्क में कुछ लैक हो गया हो, तो मैं सबसे पहले आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और ये जो सेशन होने जा रहा है वो सिर्फ मेरे रिसर्च वर्क या जो मैंने अब तक स्टडीज़ की है या जो नॉलेज गेन की है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे से बड़े बहुत लोग भारत में बैठे हैं जो शायद इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, पर अगर मैंने कहीं नॉलेज ली है इस टॉपिक पे तो मैं उसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाने के लिए मैं तेरापंत किशोर मंडल के संयोजक जिनेश जी जैन, सह संयोजक मयंक जी डागा और चेतन जी छाजेर को भी जय जिनेन्द्र करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी बिहाइंड साइंस। स्पिरिचुअलिटी और साइंस दो अलग अलग डायरेक्शन हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में। मैं ये नहीं कहता कि स्पिरिचुअलिटी के बिना साइंस नहीं है या साइंस के बिना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पर इन दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत गहरा संबंध है इन दोनों का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी और साइंस ऐसे क्या प्रूफ है जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, मैं बहुत पुराने ज़माने में जाना चाहूँगा। मैं जाता हूँ अभी से करीब करीब हजारों वर्ष पहले रामायण। रामायण में काफ़ी सारे दृश्य है जो साइंस की काफ़ी सारी चीज़ों को प्रूफ करते हैं। अगर मैं नासा की बात करूँ या अदर कंट्रीज़ की बात करूँ, तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने उसकी खोज की थी जो अराउंड 1970s में हुई थी, 1970s और 1940s, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, पर 19th century में इन्होंने खोज की थी न्यूक्लियर पावर। नाउ इसको मैं कनेक्ट करता हूँ हमारे रामायण के दिनों में। आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद सभी ने रामायण देखी है। अभी फ़िलहाल भी DD चैनल के रामायण में भी ये दृश्य साफ आया गया है, उसमें दिखाया गया है। मैं रामायण का एक छोटा सा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम चलते हैं रामायण के उस टाइम पर जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ श्रीलंका की ओर जा रहे थे सीता मैया को छुड़वाने। उस टाइम जाने तक उनके सामने एक पॉइंट आता है जहाँ से उनको समुद्र क्रॉस करना होता है, समुद्र को पार करना होता है, पर इतनी बड़ी वानर सेना को समुद्र पार करवाना उनके लिए बहुत ही कठिन बात थी। तब उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, उन्होंने तपस्या स्टार्ट की थी कि समुद्र देव उनको कोई रास्ता दिखाए। कई दिनों तक तपस्या चलती रही, पर समुद्र देव ने उनकी शायद नहीं सुनी या वो सामने नहीं आए। जब समुद्र देव नहीं आए तो श्रीराम को आ गया क्रोध। श्रीराम को क्रोध आया तो उन्होंने एक तीर अपने धनुष पे चढ़ाया। जब वो तीर उस धनुष पे चढ़ा तो उसमें काफ़ी सारी शक्तियाँ डाली गई, और वो शक्तियाँ जैसे ही डाली और श्रीराम जैसे ही वो तीर छोड़ने वाले थे, उसी टाइम समुद्रदेव अचानक से प्रकट हुए और उन्होंने एक बात कही, प्रभु राम आप ये तीर इस समुद्र में ना छोड़ना, अगर इन्होंने ये तीर उन समुद्र में छोड़ दिया होता तो उस समुद्र के जीव जंतु, उस समुद्र का पूरा पानी सूख जाता। और श्रीराम का यही श्रीराम की यही सोच थी कि मैं इस पानी को सुखा के उसे क्रॉस करूंगा, उस ओशन को, उस समुद्र को क्रॉस करूंगा, उसको पार करूंगा। बट जैसा कि प्रभु आ गए थे, समुद्र देव प्रकट हो गए थे, उन्होंने बहुत विनती की और उन्होंने तुरंत ही एक रास्ता दे दिया कि हर पत्थर के ऊपर आप श्री राम लिखेंगे और सुग्रीव जी के जो वानर सेना में नल और नीर थे उनको भी कहा गया था कि उनके हाथ से कोई भी चीज़ अगर हम गिराते हैं तो वो पानी में तैरने लगती है। तो उन्होंने आगे का रास्ता दे दिया था, बट श्रीराम ने अगेन एक बात कही थी कि ये तीर धनुष पे चढ़ चुका है और मैं इस तीर को उस धनुष से नहीं उतार सकता, उसमें शक्तियां जा चुकी है, तो मुझे इसे छोड़ना तो होगा। तब समुद्र देव ने उनको एक डायरेक्शन दिया था कि आप इस डायरेक्शन में अगर आप छोड़ते हैं तो वहाँ पे
बहुत सारे राक्षस रहते हैं, उन राक्षस का नाश भी हो जाएगा, आपका तीर वहाँ पर छोड़ भी दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ उस डायरेक्शन की, तो वो डायरेक्शन था हमारे राजस्थान का एक छोटा सा, एक छोटी सी सिटी जैसलमेर के अंदर, पोखरण रेंज। पोखरण रेंज हम सब आज वाकिफ है, हमारे सारे परमाणु टेस्ट वहीं किए जाते हैं। पोखरण रेंज में आज से बहुत साल पहले, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे विकिपीडिया में, तो वहाँ बताया जाएगा बहुत साल पहले वहाँ पर एक नदी बहा करती थी, और ये तीर जब छोड़ा गया वहाँ पे, तो वो नदी पूरी कन्वर्ट हो गई एक ड्राई लैंड में, एक सूखी ज़मीन में, और वहाँ सब कुछ नष्ट कर दिया गया था। ये जो शक्तियाँ ब्लास्ट हुई थी वहाँ पे, वो था न्यूक्लियर पावर। हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर शायद वर्ल्ड वॉर 2 में आया था, 19th सेंचुरी में आया था, जो अदर कंट्रीज़ ने फाउंड किया था, तो ये रामायण में कहाँ से आया? सेम अगर मैं ऐसा एक और आपके सामने प्रूफ रखूँ, तो गूगल पे मैंने कल के सेशन में भी, जो अग्रवाल युवा शाखा के पेज पे हुआ था, मैंने उसमें भी एक बात कही थी, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा से अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो हम गूगल पे अगर एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, हमारे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी क्या है, तो गूगल एक किलोमीटर्स में आंसर देता है कि इतने किलोमीटर पे ही हमारा सूर्य है। पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि जब आज तक कोई सूर्य पे गया नहीं, आज तक कोई रॉकेट लॉन्च हुई नहीं, या आज तक कोई सैटेलाइट वहाँ तक नहीं गई, तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया गया, ये दूरी कैसे कैलकुलेट की गई? इसका सीधा साधा उत्तर दिया गया है हमारे हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा एक का एक श्लोक है, युग शास्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। लील्यो ताहि मधुर फल जानू में जो मधुर फल कहा गया है, वो है हमारा सूर्य। अगर आपने हनुमान जी के बारे में अगर पढ़ा हो, उनकी बचपन की पूरी कहानी पढ़ी हो, तो हनुमान जी एक बार सूर्य को एक मधुर फल समझकर खा गए थे, निगल गए थे, और उस टाइम पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था। ये कहानी शायद इस श्लोक से प्रूफ होती है कि वो कहीं ना कहीं सही भी था, हनुमान वहाँ तक पहुँचे थे, श्री हनुमान। अब मैं डिस्टेंस आपको बताऊँ, तो वो इसी श्लोक के पहले लाइन में है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। एक युग, एक सहस्त्र, एक योजन, और पर भानु मतलब पर माइल। इनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जो डिस्टेंस गूगल पे दिया गया है, जो नासा ने डिक्लेयर किया है, और ये डिस्टेंस एक है। अब हो सकता है ये एक कोइंसिडेंस भी हो, पर मुझे नहीं लगता ये कोई कोइंसिडेंस होना चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूँ, काफ़ी धर्म में फास्टिंग करवाया जाता है, या मेडिटेशन को बहुत प्रमोट किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम साल के 365 दिन 2400 घंटे कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं। हमारे बॉडी एक मशीनरी है। अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो दो तरह के सैटेलाइट प्रूफ किए गए हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट और एक है मैनमेड सैटेलाइट। मैनमेड सैटेलाइट वो है जो इंसानों ने बनाई है, और नेचुरल सैटेलाइट वो है जो नेचुरली आई हुई है। वैसे ही अगर मैं मशीन के बारे में बात करूँ, तो दो तरह की मशीन्स भी हो सकती है, एक है मैनमेड मशीन और एक है नेचुरल मशीन। मैनमेड मशीन बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे हमने देखी है, काफ़ी सारे फैक्ट्रीज में हमने देखी है, हर जगह पे हम मशीनों से घिरे हुए हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, वो एक मशीन है, वहाँ से लेकर हर कोई जगह पे हमने मशीन देखी है। तो नेचुरल मशीन भी तो हो सकती है। अब मैं अगर उस नेचुरल मशीन को कहूँ कि हमारी बॉडी में जो हार्ट पंप होता है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, जो लंग्स का वर्किंग है, वो भी एक नेचुरल मशीन है। हर मशीन को एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, एक गैप की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उनको रेस्ट मिले। आप 7ों दिन 365 दिन कुछ ना कुछ खा रहे होते हो, कभी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने छोटा सा ब्रेक दिया है क्या? आपने उनको कभी छोटा सा रेस्ट पॉइंट दिया है? तो फास्टिंग और प्रेक्षा मेडिटेशन, इनके थ्रू हम हमारी बॉडी को प्योरीफाई कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, हम उन मशीन्स को थोड़ा सा बूस्ट दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है करने को, इससे काफ़ी सारी बीमारियों का हल, बीमारियों का सॉल्यूशन निकलता है, और प्रेक्षा मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन तक पहुंचते हैं।
ये जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। जैन कम्युनिटी में एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जब हम नहाने जाते हैं तो सबसे पहले पानी, या हमें सबसे पहले हमारे पैर धोने चाहिए, फिर हमारे हाथ धोने चाहिए, पानी सर पे सबसे लास्ट में जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या किसी ने कभी ये सोचा है? मैं आपको एक बात कह दूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में उसे दे सकते हैं, और कमेंट में मैं जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आंसर देने की पूरी ट्राई करूँगा। नो, मेरे दिमाग में ये जो क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों जैन कम्युनिटी में या हिंदुइज्म में कहा गया है कि हम नहाने जाएं तो हम सबसे पहले अपने पैरों को धो। अगर हम इसका एक कॉमन सा आंसर निकाले तो ये भी होता है कि पैर धोने के बाद अगर हम हाथ धो रहे हैं तो हाथ का मैल तो वापस पैरों पे जा ही रहा है, हम वापस शायद हमारे शरीर में गंदगी फैल रही है। पर नहीं, जब इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है और पानी का टेम्परेचर, इसमें एक वास्ट डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा एक गैप आता है हमारे बॉडी टेम्परेचर में और हमारे पानी के टेम्परेचर में। और हमारे पूरे बॉडी में जो वेन्स, मैं अगर बताऊँ, वेन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। ब्लड सर्कुलेशन एक छोटा सा पाइप होता है। अब आप प्लास्टिक का कोई भी पाइप अगर गैस पे गर्म करेंगे वो खराब हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा अगर आप देखेंगे तो, या बहुत ज़्यादा कूल कर देंगे तो वो जाम हो जाएगा। नाउ, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है और पानी का जो टेम्परेचर होता है, इस डिफरेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप गर्म पानी में अपनी उंगली डालते हैं, अगर आप उस उंगली को कुछ देर गर्म पानी में या बहुत ठंडे पानी में रखते हैं तो कुछ सेकेंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद आपको राहत मिल जाती है, आपको फील नहीं होता कि वो गर्म है या ठंडा है। वैसे ही उसके जगह आप दूसरी उंगली अगर वापस डालेंगे तो आपको अगेन फील होगा, और कुछ देर के बाद आपकी उंगली का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। पर इसमें कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। तो इस टाइम को कम करने के लिए हम जैसे पैरों पे पानी डालते हैं, पैरों पे जब वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो बॉडी भी हमारी कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2-2.5 मिनट का गैप लेती है जहाँ पर इन दोनों का टेम्परेचर एक हो जाता है। नाउ, अगर ठीक है आपने पैरों पे अगर पानी डाला है तो वो इतना बड़ा वेन को डैमेज नहीं करेगा, पर आपने ठंडा या गर्म पानी डायरेक्टली अपने ब्रेन पे डाला है तो वो आपके ब्रेन के वेन्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट कर जाएगा। तो इस इफेक्ट से, इस डैमेज से बचने के लिए कहा गया है कि हम सबसे पहले अपने पैरों को धोए, फिर अपने हाथों को धोए। इसी तरीके से साइंस और स्पिरिचुअलिटी होती है कनेक्ट। नाउ, मैं कुछ और अगर प्रूफ की बात करूँ आपके सामने, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था अपने ज़माने में, पर अगर ये इन्वेंशन उनके ज़माने में हुआ था, राइट ब्रदर्स ने किया था, तो रामायण में पुष्पक वाहन कहाँ से आया? पुष्पक विमान जो है, विमान आज भी हम एरोप्लेन को विमान ही हिंदी में कहते हैं, तो ये पुष्पक विमान आया कहाँ से? और वो पुष्पक विमान तो माइंड से कंट्रोल होता था, उसमें कोई हैंडल्स या वो चीज़ें मैंने अब तक शायद नहीं देखी है, तो वो तो माइंड से कंट्रोल होता था। तो रामायण के ज़माने में पुष्पक विमान कैसे आ गया अगर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट बाद में की है तो? या अगर मैं दूसरी बात करूं तो एक तीर से लक्ष्मण जी ने सीता मैया के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, उसमें पावर्स कैसे आ गई? एक तीर से, अगर आज मैं सुई से अगर एक रेखा बनाता हूं तो उसमें तो कोई शक्तियां नहीं होती, तो ये शक्तियां कहाँ से आई? अगर सारे बॉम्ब्स का, सारे इन सब चीज़ों का, शॉक का, इलेक्ट्रिसिटी का अगर इन्वेंशन 1900s में हुआ है तो रामायण तो बहुत हजारों साल पुरानी है, तब से ये चीज़ें वहाँ पर कब कब से आने लगी? सबसे बड़ा दृश्य है जब सीता मैया उस हिरण को देखती है जिसको पकड़ने के लिए प्रभु राम उनके पीछे जाते हैं, तो उसमें तो हिरण ने, एक इंसान ने एक जानवर का रूप धारण किया था। ये ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ? इसमें भी कुछ ना कुछ साइंस होगा ही मेरे ख्याल से, चमत्कार जिसे हम आज के डेट में कहते हैं। या अगर मैं रामायण से हटकर महाभारत में आऊं तो महाभारत में काफी मेडिकल साइंस बताए गए हैं,
हम बोलते हैं वैक्सीन्स जो है वो अदर कंट्रीज ने प्रूफ किए, तो महाभारत में काफ़ी सारी वैक्सीन्स है, काफ़ी सारी बीमारियों की वैक्सीन्स बनाई गई है, उसमें दी गई है लोगों को। तो ये वैक्सीन्स ठीक है, नाम बहुत सालों के बाद आया कि ये वैक्सीन है, पर इनका हम यूज़ तो महाभारत के टाइम से कर रहे हैं। और मुझे जानकर अभी फ़िलहाल में हाल ही में ये भी खुशी हुई जब मैंने महाभारत देखी। महाभारत का एक दृश्य है जब सुभद्रा प्रेग्नेंट होते हैं तो अर्जुन जी उनको एक सीक्रेट बताते हैं, एक चक्रव्यूह के जो सीक्रेट्स होते हैं एंटर होने के और एग्जिट होने के, वो उनको बताते हैं। और जब वो ये प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये चक्रव्यूह के सीक्रेट्स बता रहे होते हैं, तो बताते बताते सुभद्रा की आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। और जब ये एंटरिंग की, तो उन्होंने जो है घुसने की चक्रव्यूह के अंदर उनकी तो सीक्रेट्स बता दिए, पर वहाँ से बाहर निकलने के सीक्रेट्स जब बता रहे होते हैं तब तक सुभद्रा जी सो चुके होते हैं। नाउ उनके सोने के बाद एग्जिट प्लान तो उन्होंने सुने ही नहीं है कि चक्रव्यूह से बाहर आने का प्लान क्या है। और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो अभिमन्यु ने सिर्फ एंट्रेंस के प्रोसीजर उनको आते हैं, पर एग्जिट के प्रोसीजर उन्होंने अपने पूरी लाइफ के दौरान शायद नहीं सीखी है। तो ये बात जब अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट में थे तब से उन्होंने सीख ली, ये कैसे हुआ। और सुभद्रा जी जब सो गए तो उन्होंने एग्जिट प्लान नहीं सुने, और वही चीज़ अभिमन्यु को नहीं आती थी पूरी अपने लाइफ स्पेन में। तो ये भी अपने आप में एक साइंस है, एक मेडिटेशन है। ऐसे और भी अगर मैं प्रूफ की बात करूं, हम डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। और ये टॉपिक पे मैंने बहुत कुछ सीखा है जैन तेरापंथ के मुनि श्री डॉक्टर मुनि महेंद्र कुमार। आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, काफ़ी लोगों को जानकारी भी होगी, हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं भी पता हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रोफेसर महेंद्र मुनि कुमार मुनि श्री ने 2016 जनवरी IIT मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस की थी। कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एंड जीन फिलोसॉफी। काफ़ी अलग अलग देशों के साइंटिस्ट और काफ़ी जाने माने लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में अपना योगदान दिया था। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स मुंबई में किए जहाँ तक मुझे ध्यान में है। और मुझे इस टॉपिक पे नॉलेज लेने का जो इंटरेस्ट आया वो प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार जी से ही आया। उनकी मैंने सेवा की थी 2015 में जब वो तैयारी कर रहे थे इसी कॉन्फ्रेंस की। उनके बाद मुनि श्री अभिजीत कुमार जी ने मुझे काफ़ी सारी नॉलेज दी, बहुत मोटिवेट किया इस रिसर्च वर्क में आगे बढ़ने के लिए। और हमारे तेरापंथ के काफ़ी साधु साध्वियों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अगर बताऊं तो मुनि श्री हिमांशु मुनि, मुनि श्री जो राज में है हमारे गुरुदेव के साथ जो चल रहे हैं, और सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे हमारे आचार्य प्रवर से मिलता है, हमारे तेरापंथ के 10वें आचार्य, आचार्य महाप्रज्ञ जी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी खुद स्पिरिचुअलिटी और साइंस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे। उन्होंने काफ़ी सारे प्रूफ्स, काफ़ी सारी चीज़ों को निकाला भी है, खोज भी की है। प्रेक्षा ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है हमारे पास, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके सामने। महाप्रज्ञ जी के बारे में मैंने जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, उनके बारे में जाना, तो मुझे ये भी पता चला कि मेडिटेशन से उन्होंने अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को देखा है, हर एक ऑर्गन के डैमेज के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो निकाले हैं। तो ये हम चमत्कार कहें या फिर इस चीज़ को हम स्टडीज कहें, हम कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे, वो अपना अपना संदेह है। बट ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को बहुत हाईली कनेक्ट करता है। ऐसे काफ़ी सारे प्रूफ शायद और भी होंगे जिनके ऊपर मेरा भी रिसर्च वर्क चालू है, और मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप भी इन रिसर्च वर्क को थोड़ा सा हमारे अभी क्वारंटीन टाइम में बहुत टाइम है हमारे पास, और इंटरनेट की सुविधा लगभग सभी के पास है, सबके पास सब कुछ एक्सेस है। अगर आप ऐसे कुछ टॉपिक्स पे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं,
मुझसे या काफ़ी लोगों से आप सोशली जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट काफ़ी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन्स कनेक्टेड है, आप उनसे कनेक्ट होकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान इन सब चीज़ों में दें और अपने बच्चों की या अपने फैमिली की नॉलेज इन चीज़ों से बढ़ाएं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये जो मैंने नहाने वाली बात की कि हम पैरों से क्यों स्टार्ट करते हैं नहाना, या फिर हम क्यों फास्टिंग करते हैं, क्यों हमें प्रेक्षा ध्यान करना चाहिए, क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस भी है और इस चीज़ की काफ़ी बेनिफिट्स हमारे डे टू डे लाइफ में छुपे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान नहीं है या भगवान है, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, पर मेरा मानना ये है कि एक पावर ऐसी है जो साइंस के बियॉन्ड भी है, साइंस के ऊपर भी एक पावर है और उस पावर में बहुत दम है। उस पावर में इतना दम है कि कोई इंसान या कोई रुपए, कोई चीज़ उसके ऊपर असर नहीं कर सकती। अब वो पावर कोई भी चीज़ में हम बिलीव कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ताज़ीब में बिलीव करते हैं, कुछ अंगूठी में बिलीव करते हैं, कुछ अपने गुरु में बिलीव करते हैं, कुछ भगवान में बिलीव करते हैं, अलग अलग है, पर मेरे ख्याल से इन सबके पीछे एक ऐसी पावर है जो वर्क करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। और हम जब प्रेयर करते हैं, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता भी होगा, काफ़ी सारे शायद ऑफिस पर्सन्स के साथ होता होगा। अगर आज मैं दो एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ का और एक बड़े लोगों का। अगर जो अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए निकले हैं कि आज बहुत खास मीटिंग है, और अगर समझ लीजिए मुझे आज एक मीटिंग क्रैक करनी है और सुबह मैं उठकर बहुत पॉजिटिव हूँ कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, या जो मैं उसके पीछे दृश्य लेकर चल रहा हूँ कि इस मीटिंग के बाद मुझे ये मिलेगा, जो आउटकम मैं सोचकर चल रहा हूँ, वो अगर मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूँ तो शायद वो मीटिंग मेरे लिए बहुत अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आसपास, अपने ऑरा में एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर लिया है। पर अगर मैं उस मीटिंग के लिए नेगेटिव हूँ कि नहीं यार, आज मीटिंग में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शायद ये मीटिंग मैं क्रैक नहीं कर पाऊँगा, तो हो सकता है कि वो मीटिंग शायद उतना आउटकम ना दे जितना हम सोच कर चलते हैं। वैसे ही बच्चों के साथ होता है, वो जब एग्ज़ाम के दिन सुबह उठते हैं और उनकी दो थिंकिंग होती है। अगर बच्चों के प्रिपरेशन बहुत अच्छे हो गए होते हैं तो वो एक चीज़ सोचते हैं कि आज मेरा प्रिपरेशन है ना बहुत अच्छा हुआ, आज पेपर बहुत इजी आएगा और बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने के बाद डेफिनेटली आप देखना अपने बच्चों के चेहरे पे वही खुशी होगी कि आज का पेपर बहुत इजी था और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। पर इसी साइड पे अगर जो बच्चे ये टेंशन लेके चलते हैं कि मेरा प्रिपरेशन 100% नहीं है, मेरा काफ़ी कुछ पोर्शन छूट गया है और मुझे नहीं पता मेरा पेपर कैसा जाएगा, तो उनके चेहरे पे शायद कहीं ना कहीं एक मायूसी होगी कि आज का पेपर बहुत हार्ड आया था। मैं इससे बच्चों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि भले आपका सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं है, आपने आपके एग्ज़ाम में अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं, 10 में से आपने अगर 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो अपनी थिंकिंग सिर्फ इतनी रखें कि 6 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किए हैं और वो 6 चैप्टर में से जो क्वेश्चंस उस पेपर में आएंगे वो मैं बहुत अच्छे से करके आऊँगा, मेरा पेपर उन 6 चैप्टर्स की वजह से बहुत अच्छा जाएगा। उस दिन आप डेफिनेटली एक ट्राई लेकर देखना कि जब आप एग्ज़ाम से बाहर आओगे तो आप बोलोगे कि आज का पेपर बहुत इजी था। आपने जस्ट एक चीज़ की, आपने अपना ऑरा क्रिएट किया कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे आसपास सब अच्छी चीज़ें हो रही है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, तो आपके साथ वही होना है। डे टू डे लाइफ में काफ़ी महिलाओं के साथ ये होता है, जो सुबह से नेगेटिव हो जाती है तो वो नेगेटिविटी में पूरा दिन उनका निकल जाता है, या तो वो हेडेक में निकल जाता है या टेंशन में निकल जाता है। पर वही महिला अगर सुबह से बहुत अच्छे मूड में है तो वो दिन उनका बहुत अच्छा जाता है। सेम इसी तरीके से अगर बात करूँ डे टू डे लाइफ में, आपको हर पॉइंट पे, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप नेगेटिविटी को जितना अपने से दूर रखेंगे आपके साथ उतना ही अच्छा होगा। आपकी हर सिचुएशन के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी होते हैं, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और साइंस कनेक्ट होती है।
आपका अगर कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, और इसके बाद अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आप जुड़ना चाहें मुझसे तो आप मेरी प्रोफाइल में जुड़ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स देने की, और मैं विनती करता हूं कि आपके पास भी अगर ऐसी कोई नॉलेज है या ऐसे कोई आपने चीज़ें ढूंढ रखी है या आपके माइंड में काफ़ी सारे ऐसे बातें हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी अभी तक नॉलेज इस फील्ड में शायद 1% भी नहीं है, और मुझे इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ने की इच्छा है और काफ़ी सारे लोगों की होगी भी। अक्षय जी का एक कमेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सर आप इसमें क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसके रिलेटेड जो मेरे पास नॉलेज है, अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, सर इस अट्रैक्शन को मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा मैग्नेट से। मैग्नेटिज्म की अगर बात करूँ तो हमें पता है सर, दो मैग्नेट्स जब अलग अलग पोल्स के होते हैं तो वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो सेम पोल के होते हैं तो वो रिपेल करते हैं। सर हमारी बॉडी में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, मेंटली भी होती है, और फिजिकली भी होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक्यूप्रेशर में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक्यूप्रेशर में भी काफ़ी सारे मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन को और बूस्टअप देने के लिए, या काफ़ी सारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप देने के लिए वो लोग काफ़ी सारे मैग्नेट्स का वर्क यूज़ करते हैं, और उसमें कुछ मैग्नेट्स भी आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेट्स। नाउ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। एक चीज़ समझिए कि मैं एक अच्छी खासी हस्ती से, चलिए मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अब्दुल कलाम जी सर से मिला एक दिन। अब अगर उन्होंने मुझे एक छोटी सी चीज़ दी, एक छोटा सा पेन मुझे दिया, उस पेन से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वो अब्दुल कलाम सर ने मुझे अपने हाथों से दिया। मैं मेंटली, साइकोलॉजिकली या अपने दिल से उससे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, मैं उस चीज़ से कनेक्ट हो जाता हूँ। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ये कोई भी चीज़ से हम कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरे में एग्जांपल दूँ तो हम ज़्यादातर हमारे मदर्स या पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, पर कहीं ना कहीं हम कुछ बच्चों में देखते हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब हमारी थिंकिंग में आता है कि अगर हम एक चीज़ सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है तो वो हमें चीज़ अट्रैक्ट कर जाएगी, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। पर अगर हम सोचें कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए वैल्यू बहुत करती है पर हमें अट्रैक्ट नहीं होते, हम इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं होते, तो दुनिया की कोई ताकत हमें उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख्याल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही वर्क करता है। मयंक जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के डेट में प्लाज्मा थेरेपी, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, बहुत ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी एक चीज़ है कि मैं एग्जांपल आपको लाइव ही देता हूँ। कोरोना वायरस काफ़ी यंगस्टर्स के ब्लड में गया, बॉडी में जाकर या ब्लड में जाकर वो रहा वहाँ पे, पर उसके ब्लड ने, उसकी बॉडी के ब्लड ने या इम्यून सिस्टम में ऐसा वर्किंग दिया कि उसमें ऐसी शक्ति, एंटीबायोटिक प्रेजेंट है जो उस वायरस को मार दे रहे हैं। मतलब उस वायरस से ज़्यादा शक्ति उसके खून में है या उसके इम्यून सिस्टम में है। तो ये शक्ति का यूज़ हम एज अ वैक्सीन कर सकते हैं। अगर आपने, मैं इसको मूवी से कनेक्ट करूँ तो क्रिश 3 में एंटीबायोटिक्स दिए गए, जहाँ पे ऋतिक रोशन के ब्लड से एंटीबायोटिक बन सकता है उस वायरस का। तो सेम प्लाज्मा थेरेपी ही उसमें दिखाई गई है। जो लोग इस चीज़ से रिकवर हो चुके हैं, मतलब हम ये साबित होता है कि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है, एंटीबॉडीज विच कैन फाइट दिस वायरस कोरोना। तो ये एंटीबॉडीज को यूज़ किया जा रहा है अदर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करके, कि वो भी उनकी बॉडी में जाकर ये एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़े और वो भी रिकवर हो जाए। प्लाज्मा थेरेपी मेरे ख्याल से यही है, और क्रिश 3 का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है ही। और कोई क्वेश्चन? आई होप मयंक जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा।
चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन एक क्वेश्चन से एंड करूंगा। मेरा एक सवाल है, जैन आगम अगर आप देखते हैं, उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट ज़रूर बताना चाहूँगा। एक फैक्ट जो मैंने सुना है, वो कहाँ तक सच है ये मुझे भी नहीं पता, पर मैंने काफ़ी लोगों से या काफ़ी साइंटिस्ट से ये बात सुनी है कि नासा में जो जिन लोगों ने विजिट लिया है, नासा में जब वो एंटर हुए तो उनको नासा में एक बहुत बड़ी भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर देखने को मिली। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है, पर इसके साथ मैंने एक और चीज़ भी सुनी है कि नासा में अगर किसी ने पीएचडी किया है संस्कृत में, तो नासा में बहुत उनके लिए मतलब जॉब्स ओपन हैं, उनके फील्ड्स में वो लोग बहुत अच्छा पे भी करते हैं। वो लोग संस्कृत ट्रांसलेटर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, साइंटिस्ट से ज़्यादा आज संस्कृत ट्रांसलेटर्स की वहाँ पे वैल्यू की जाती है। अगर मैं इस चीज़ से कनेक्ट करूँ कि क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि भगवद गीता जो संस्कृत में लिखी हुई, या हमारा जो आगम, हमारे जो वेदास संस्कृत में लिखे गए हैं, क्या वो इन्हीं चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए इन ट्रांसलेटर्स की इतनी कदर करते हैं? मुझे इसका आंसर 100% तो नहीं पता, पर जिसके पास अगर आंसर हो तो प्लीज़ मुझ तक ये आंसर भी पहुँचाएँ। संस्कृत ट्रांसलेटर्स में पीएचडी करना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, और मैंने ये तक सुना है कि नमस्कार महामंत्र एकमात्र मंत्र हमारा है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इसमें काफ़ी लोग बिलीव करते हैं, काफ़ी लोग बिलीव नहीं करते, पर मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि मैंने नमस्कार महामंत्र की काफ़ी स्टोरीज ऐसी सुनी है जहाँ पर इसका यूज़ किया गया है, इस मंत्र का उच्चारण किया गया है, वहाँ पे काफ़ी साइंटिफिकली चीज़ें हम देखे या स्पिरिचुअलिटी चमत्कार हम देखे तो वो देखने को मिले हैं। तो ये एक फैक्ट जो मुझ तक पहुंचा था, मैंने आपसे शेयर किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता कि भगवान महावीर स्वामी की क्या सच में नासा में तस्वीर लगी हुई है। मेरा जो सवाल आप लोगों के लिए था कि जैन आगमों में कहा गया है कि एक से ज़्यादा सूर्य है, एक से ज़्यादा चंद्र है हमारे ब्रह्मांड में, इसका कोई आंसर किसी के पास है क्या? इसका कोई प्रूफ साइंटिफिकली हुआ है? मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद कल लगभग 11:30 बजे मैं इसका आंसर, जो मैंने रिसर्च वर्क किया मेरे अकॉर्डिंगली, वो आंसर मैं यहाँ पर ज़रूर दूंगा। पर उससे पहले मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, और मुझसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो मेरी प्रोफाइल में वो मैसेज कर सकते हैं, दीपांशु सेखानी, और वहाँ पे हम और भी इसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। मैं एंड अप करता हूँ सेशन, और अगेन एक बार शुक्रिया करता हूँ तेरापंथ युवक परिषद सूरत और तेरापंथ किशोर मंडल सूरत की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म आपने दिया जहाँ पर मैंने अपना रिसर्च वर्क, क्वारंटाइन टाइम का जो मेरा रिसर्च वर्क था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप लोगों ने भी ऐसा कुछ यूनिक वर्क किया हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी नॉलेज शेयर करें ताकि लोगों तक नॉलेज पहुँचे। मैंने एक बार अपने लाइफ में सीखी है, आप जितना नॉलेज शेयर करेंगे आपकी भी नॉलेज उतनी ही इंक्रीज होगी। सो धन्यवाद, जय जिनेंद्र, और आप सब सुरक्षित रहें अपने घर पे। धन्यवाद।